तो सबसे पहले होते हैं जल्दी से तैयार, क्योंकि यहाँ पे मैंने ज़्यादा बातें की और हम लेट हो गए तो हम कोर्ट भी लेट पहुँचेंगे और बाकी की बातें भी नहीं हो पाएंगी। सबसे पहले आई एम गोना पैक माई बैग। आई एम यूजिंग दिस बैग फ्रॉम ज़ूक, दैट ज़ूक रिसेंटली सेंट मी। तो मैं बहुत टाइम से एक बैग पैक के सर्च में थी, विच इज़ स्पेशियस, विच इज़ प्रिटी, विच इज़ स्ट्रक्चर्ड एंड स्ट्रॉन्ग, एंड दिस बैग रियली फिट्स ऑल द चेक बॉक्सेज दैट आई वॉज एमिंग फॉर। इसमें बहुत सारी स्पेस है। मुझे ऐसा होता है, मुझे बहुत सारा सामान रखना होता है। मुझे रखना होता है टिफ़िन, वाटर बॉटल, बुक्स, लैपटॉप और अपने ईयरफोन्स, और भी बहुत सारी चीज़ होती हैं, एक ट्राईपॉड कुछ कुछ टाइम पे। तो इसमें बहुत अच्छे से सारी चीज़ें रखा जाती हैं। पीछे ये पॉकेट भी है जिसमें आई कीप माई सैनिटरी नैपकिन, तो ये भी काफ़ी अच्छे से रखा जाता है। और भी चीज़ें मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। द बेस्ट थिंग अबाउट दीज बैग्स आर देयर क्रुएल्टी फ्री, मेड ऑफ वीगन लेदर, प्राउडली इंडियन एंड हैंड क्राफ्टेड। यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दीज। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। बाय द वे, लेट्स मूव ऑन एंड गेट टू द डाइनिंग टेबल। तो ब्रेकफास्ट करे बिना मुझे घर से निकलने नहीं दिया जाता है। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद हम जल्दी से नीचे जाएंगे। नीचे खड़ी होगी मेरी एक्टिवा। हाँ ठीक है, तो चाहे वो कॉलेज जाना हो या इंटर्नशिप पे जाना हो, मैं अपनी एक्टिवा से ही जाती हूँ, क्योंकि मैं अहमदाबाद के अहमदाबाद में रहती हूँ। घर भी यहीं है, कॉलेज भी यहीं है, इंटर्नशिप भी अभी यहीं है, तो थिंग्स आर अ बिट कम्फर्टिंग। आई एम श्योर कि जब मैं बाहर निकलूँगी थिंग्स विल बी डिफिकल्ट फॉर मी टू मैनेज, बट एनीवेज हम कोर्ट पहुँच चुके हैं। तो कोर्ट में मोस्टली काम यही होता है दैट यू ऑब्जर्व कोर्ट प्रोसीडिंग्स एंड लिसन टू द आर्ग्यूमेंट्स पुट फॉरवर्ड बाय योर एडवोकेट एंड अदर्स। सो आई हैव कम टू द ऑफिस राइट नाउ। सो व्हेन आई वेंट टू द कोर्ट, आई वाज सिटिंग देयर एंड सो कॉल्ड मी अप एंड ही गेव मी सम वर्क दैट हैज टू बी डन इन द ऑफिस। सो यस, वी आर नाउ हेडिंग टू द ऑफिस। Talking about the work that I was usually given during the office hours was research work, in which you have to research a case that fits your matter, that favors you, and the second is drafting. तो drafting हो सकती है अलग अलग type की, जैसे यहाँ पर मैं सी ए फॉर ऑर्डर्स ड्राफ्ट किया था मैंने, which I was sending a sample to my co-intern, और उसी के साथ साथ बहुत सारी अलग अलग civil applications for early hearing, condonation of delay, further affidavit, affidavit and reply, rejoinder draft करने को मिलते हैं। अभी मुझे जिस काम के लिए सर ने वापस भेजा था वॉज टू ड्राफ्ट अ फर्दर एफिडेविट एंड रिप्लाई, क्योंकि विच इज़ बेसिकली आप एक रिप्लाई करते हो और रिप्लाई में हमें और चीज़ें एक्सटेंड करनी होती हैं, तो वी फाइल अ फर्दर एफिडेविट एंड रिप्लाई। तो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। मैंने इसके पहले रीजॉइंडर्स भी ड्राफ्ट किए हैं एंड आई एम टेलिंग यू, पता है इंटर्नशिप से जितना सीखने को मिलता है वो कहीं नहीं मिलेगा। योर लैंग्वेज इम्प्रूव्स। क्यों, मेरे को बहुत डर लगता था ड्राफ्टिंग से एंड लिटरली भगवान से प्रे करती थी कि मुझे नहीं करनी है ड्राफ्टिंग। बट आफ्टर द इंटर्नशिप, व्हेन आई एम एक्सपोज, व्हेन आई एम फोर्स टू डू दिस स्टफ, आई एम नाउ कॉन्फिडेंट अबाउट लॉट। तो बिकॉज आई वॉज डन विद द वर्क दैट आई वॉज गिवन, आई प्रिपेयर सम इंटर्नशिप एप्लीकेशन फॉर माई नेक्स्ट इंटर्नशिप एंड आई गॉट अ कॉल दैट वी कैन लीव द ऑफिस अर्ली। से हाय। यूजुअल डेज पे तो ऐसा नहीं होता है, इतने जल्दी मेरा इंटर्नशिप पे दिन खत्म नहीं होता, क्योंकि आई लीव अराउंड 8:39। बट आज, मतलब जिस दिन ये वीडियो शूट किया मैंने, उस दिन हमें जल्दी अलाउ कर दिया था बिकॉज काम नहीं था अपना ऑफिस में। पर द मेन थिंग इज, काम क्या मिलता है, एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा। अच्छा, पता है सबसे बकवास बात ये है कि मेरा जिस दिन लास्ट डे था ना इंटर्नशिप का, मेरी तबीयत ख़राब हो गई और मैं सर से बाय नहीं कर पाई, प्रॉपरली मिल नहीं पाई। मेरा इंटर्नशिप सर्टिफिकेट भी को इंटर्न लेकर आई थी, पता नहीं क्या हुआ मेरे को, मैं कोर्ट में बैठी हुई थी, मेरा सर एकदम तेज़ दुखने लगा। फिर मैं कोर्ट से वापस ऑफिस आई, मैंने थोड़े दिन हेड डाउन करके बैठा, लेकिन उसके बाद मुझे और ज़्यादा, मतलब घबराहट होने लगी। आई फेल्ट अनईजी एंड यू नो वेरी 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 सिक। तो फिर मैं घर आ गई। एनीवेज, तो दिस टाइम आई इंटर्न इन हाई कोर्ट ऑफ गुजरात ओनली। नेक्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू चेंज द प्लेस ऑफ माई इंटर्नशिप, लाइक द टाउन इज़ वेल, द सिटी इज़ वेल। बट इस बार मैंने यही इंटर्न किया बिकॉज इट वॉज माई सेकेंड ईयर, माई से थर्ड इंटर्नशिप, एंड आई वॉज इंस्ट्रक्टेड बाई वन ऑफ आर सीनियर्स, एलुमनाइज कुछ भी कह लो, कि अभी बाहर इंटर्नशिप करने से बेटर है, जहाँ काम कर रहे हो ना वहीं का बेटर सीखो। और मेरे को जहाँ जहाँ अप्लाई करना था उसके लिए भी लेट हो गया था, तो फिर मैंने सोचा क्यों नहीं जहाँ मैं ऑलरेडी कर रही थी इंटर्न वहीं कंटिन्यू करूँ और वहाँ बेटर थोड़ा और सीखूँ काम।
तो ये इंटर्न किया मैंने. देखो भैया कि यूजुअली एक एडवोकेट के अंदर व्हेन यू इंटर्न यू आर गिवन अ वर्क ऑफ ड्राफ्टिंग रिसर्च. मोस्टली स्टूडेंट्स को रिसर्च ही मिलती है, तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि यू नो ड्राफ्टिंग भी मेरे को सीखने को मिली. तो मैंने इस बार पिटिशन ड्राफ्ट की थोड़े एक मतलब एक पिटिशन एडिट की थी, ड्राफ्टेड थी बट वो बहुत गलतियाँ थी उसमें, तो उसको एडिट किया था. और सिविल एप्लीकेशन ड्राफ्ट करनी होती है, सी ए फॉर ऑर्डर्स, सिविल एप्लीकेशन फॉर अर्ली हियरिंग, सिविल एप्लीकेशन कॉन्डनेशन ऑफ डिले के लिए, और भी बहुत सारी होती हैं. तो कुछ कुछ वो ड्राफ्ट करी मैंने, रीजॉइंडर्स ड्राफ्ट करने होते हैं, रिप्लाइज बनाने होते हैं, तो वो सब ड्राफ्ट किए. द बेसिक वर्क वॉज सिविल का काम, तो दैट्स व्हाट आई डिड. आई फील यार इंटर्नशिप्स आपको इतना ज़्यादा सिखाती हैं, एंड स्पेशली वेर यूर इंटर्निंग प्लेज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल. क्योंकि जिस भी एडवोकेट के अंदर आप इंटर्न कर रहे हो, हिज और हर पर्सनैलिटी सच दैट यू कैन यू एक्चुअली रियलाइज यार कि कितना ज़्यादा हमें काम करना है अपनी पर्सनैलिटी पर, कितना ज़्यादा काम होता है रियल लाइफ में, और कैसे वो टाइम मैनेजमेंट होता है. जो हम ना अभी इतने रीजन्स देते हैं यार, मतलब सब है, तुम मैं सब देते हैं कि भाई टाइम ही नहीं मिलता कॉलेज में ये करने का, कॉलेज में कॉलेज के साथ ये करने का टाइम नहीं मिलता. लेकिन यार जब व्हेन वी सी दीज पीपल हु आर प्रोफेशनल्स इन द फील्ड ऑफ लॉ और एनी फील्ड, दीज पीपल मैनेज सो मेनी थिंग्स. एंड कैसे मैनेज करते हैं, जैसे इनके क्लाइंट्स हो गए तो क्लाइंट मीटिंग्स हो गई, इतने सारे मैटर्स हैं, उन सब मैटर्स पे क्या क्या ड्राफ्ट करना है, कौन कौन सी चीज़ों का अपडेट चाहिए, कहाँ कहाँ रिसर्च करना है, सब कुछ. मतलब इंटर्न्स तो यार सीखने जा रहे हैं, लेकिन उनका तो वो मेन काम है, तो वो फुली उन पे भी रिलाई नहीं कर सकते. देर ऑलवेज हैव समथिंग विद द अदर विद देम विच मेक्स देयर केस स्ट्रॉन्ग. मतलब क्या बोलूँ मैं, इट्स जस्ट वेरी इंस्पायरिंग, वेरी वेरी मोटिवेटिंग एंड अ लिटिल स्कैरी एज वेल. क्योंकि आपको बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है. इवन जब हम लोग अपने टीचर्स से बात करते हैं तो वो लोग भी यही कहते हैं कि हमें लगता है कि इट्स गोइंग टू बी अ स्मूथ बोर्ड, बट इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट. इट्स नॉट गोइंग टू बी अ स्मूथ सेल. बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आती हैं बाहर लाइफ में, मतलब एक्चुअल लाइफ में व्हेन यू आर आउट ऑफ कॉलेज. अभी तो पूरे हम कम्फर्ट जोन्स में हैं, इसके बाद इज़ द थिंग. तो वी नीड टू लर्न हाउ टू मैनेज आर वर्क, हाउ टू मैनेज थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन, एंड स्टिल मेक टाइम फॉर आर स्किल डेवलपमेंट फॉर आर सेल्व्स एंड पुट इन एफर्ट्स सो दैट वी कैन इम्प्रूव आर सेल्व्स, बिकॉज कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है और we are somewhere or the other not, I am not somewhere or the other working enough that I should. So yeah, I mean that's it. मेरा internship का experience of course अच्छा रहा है, बहुत अच्छा रहा है. And अब मैंने internship के लिए भी applications डालना start कर दिया है, though my internship is going to be in the month of June. But अभी से मैंने internship applications डाल दिया है, because I don't want to miss an opportunity कि यार तुम late हो गई इसलिए तुम यहाँ intern नहीं कर पाओगी, वो नहीं चाहती मैं. तो या दैट्स इट, यही होता है एक इंटर्नशिप डे, इट सम वॉट लुक्स लाइक दिस. या ना बहुत सारी जगह तो हाईकोर्ट में ऑब्वियसली अलाउड नहीं होता है कि आप शूट कर सको, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा उसका भी वो था, आगे पीछे हो रही थी मैं यहाँ शूट करूँ नहीं करूँ करूँ नहीं करूँ, इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट या क्लिप्स कम है. तो एनीवेज या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, यही था मेरा इंटर्नशिप एक्सपीरियंस. बहुत जल्दी एक और इंटर्नशिप पे वीडियो आ रही है, पक्के से आ रही है, लिख के ले लो इस बार, तो यार आ रही है. और वो इंटर्नशिप का वो इट्स गोइंग टू बी अबाउट टाइप्स ऑफ इंटर्नशिप्स वेयर यू कैन इंटर्न ऑन ऑल ऑफ दैट. तो मेक श्योर यू स्टे ट्यून्ड, अ लॉट ऑफ लॉ स्कूल कॉन्टेंट इज गेटिंग रेडी, सो मेक श्योर यू डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. आई सी यू द नेक्स्ट मंडे, टिल देन कीप वॉचिंग. नमस्ते.